बागली के इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग पर शनिवार शाम को इंदौर से नागपुर की ओर जा रहा एक तेल से भरा टैंकर हाईवे पर स्थित कर्णावत फाटे के पास भारी नाके पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। तेल से भरे टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में तेल लूटने की होड़ लग गई और बड़े बड़े डिब्बे लेकर तेल भरकर ले गए। सूचना मिलने पर कर्णावत पुलिस चौकी प्रभारी सुंदरलाल पटेल, जालम सिंह, कन्हैया पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। घटना के दौरान तेल लूटने वाले लोगों की भीड़ के कारण कुछ देर के लिए हाईवे मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। उक्त टैंकर में 40,000 लीटर तेल भरा हुआ था जो कि नागपुर जाना था। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।